नमस्कार। आज की वीडियो में हम अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय के भरतनाट्यम विषय के प्रारंभिक की थियरी और प्रैक्टिकल के बारे में विस्तार में जानकारी देंगे। एग्जाम में अपेयर करने से पहले आपको अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय का करिकुलम बुक फॉलो करना जरूरी है। ये बुक आपको अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय के किसी भी सेंटर में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इस बुक में आपको आर्ट फॉर्म के डिफरेंट लेवल्स, डिवीजन ऑफ मार्क्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी मिल जाएगी। गांधर्व करिकुलम बेस्ड भरतनाट्यम विषय पर प्रारंभिक से अलंकार पूर्ण तक आकार नाम का स्टूडेंट फ्रेंडली बुक प्रचलित है, जिसे आप हमारी वेबसाइट www.akar.net पर रेफर कर सकते हैं। प्रारंभिक के एग्जाम के सिलेबस के दो पार्ट्स होते हैं, थियरी और प्रैक्टिकल। टोटल एग्जाम 50 मार्क्स का होता है, जिसमें फुटवर्क, अंग शुद्धि, रिदम, रेसिटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन, इस आधार पर मार्क्स दिए जाते हैं। आज की वीडियो में हम प्रारंभिक के थियरी और प्रैक्टिकल के बारे में विस्तार में जानकारी देंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द भरतनाट्यम प्रारंभिक पोर्शन। फर्स्ट, नमस्क्रिया। सेकेंड, व्यायाम, एक्सरसाइजेस करस्पॉन्डिंग टू अडवुस। थर्ड, अडवु, एलिमेंट्री स्टेप्स, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिनिमम 4 स्टेप्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड ग्रुप्स। द स्टेप्स आर टू बी परफॉर्म्ड इन द 3 स्पीड्स। తట్టాడవు, నాట్టాడవు, మెట్టాడవు, తత్త కుదిత్త మెట్టాడవు, తిర్మాణమడవు, కుదిత్త మెట్టాడవు, విశురు అడవు. ఓరల్ థియరీ, అసంయుక్త హస్త అకార్డింగ్ టు అభినయ దర్పణ, పాదభేద అకార్డింగ్ టు నాట్యశాస్త్ర, శిరోభేద అకార్డింగ్ టు అభినయ దర్పణ, మండలభేద according to Abhinaya Darpana. Names of 4 major classical dance styles with their sister styles and their origin. Name of the guru and the school, Bani, guru follows. Meaning of the term Bharatanatyam, Bhava, Raga and Tala. Portion book mein diye gaye terms AD, that is Abhinaya Darpan, or NS, that is Natyashastra. Let's begin with our practical syllabus. Namaskriya Shloka. Angikam Bhuvanam Yasya Vachikam Sarva Vamayam Aharyam चंद्र तारादि आहार्यं चंद्र तारादि तं नुमः सात्विकं शिवं तं नुमः सात्विकं शिवं तं नुमः सात्विकं शिवं। मीनिंग, वी बो टू द सात्विक शिवा हूज आंगिकम इज द एंटायर वर्ल्ड, हूज वाचिकम is the entire language, and whose aharyam is the moon and the stars, etc. Vyayam, exercise. Basic adavu seekhne se pehle exercise yani vyayam karna bahut zaruri hai, jisse flexibility, body balancing aur kathin se kathin step aasani se seekh sakte hain. Vyayam karne se स्टैमिना और एनर्जी लेवल भी अच्छी होती है और मन हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त रहता है।
एक्सरसाइज नंबर वन किट तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट. एक्सरसाइज नंबर टू किट तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट. एक्सरसाइज नंबर थ्री स्ट्रेचिंग वन टू किट तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट. एक्सरसाइज नंबर फोर फुल सिटिंग किट तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट. अडवज प्रारंभिक में टोटल सात अडवज हैं. हर अडव में चार स्टेप्स का डेमोन्स्ट्रेशन और उसे तीन लय यानी स्पीड्स में करना जरूरी है. अडवज आर द बेसिक स्टेप्स विच आर लर्न एंड टॉट एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द डांस. अडवज आर प्योर नृत्य. अडवज आर ऑलवेज डन इन आयतम और अरमंडी पोस्टर. एक्सरसाइजेस और अडवज टीचर के फॉलो करने वाले स्टाइल के हिसाब से चेंज होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द अडवज. फर्स्ट तट्टा अडव. तट्टा मीन्स टू स्ट्राइक. बोल तई या तई. हस्ता इज यूज्ड पताका एंड अर्धचंद्र हस्ता. लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप किट तक तई या तई तई या तई तई या तई तई या सेकेंड स्पीड तई या तई तई या तई तई या तई तई या थर्ड स्पीड तई या तई 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 तक 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 दिन गिरना तो. सेकेंड आड़ो नाट आड़ो. नाट मीन्स टू स्ट्रेच. बोल तई युम तत्ता तई ई या हा. हस्ता इज यूज्ड त्रिपताका कटकामुखः एंड अलपद्मा. लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप इन थ्री स्पीड्स किट तक तई युम तत् सा तई ती सेकेंड स्पीड तई युम तत्ता तई ती या हा. तई युम तत्ता तई ती थर्ड स्पीड तई युम तत्ता तई ती या हा. तई युम तत्ता तई ती या हा. थर्ड अडव मेट्ट अडव. मेट्ट मीन्स stamping and swinging. 1 2 3 1 2 3. Bol tai tai tam tai tai tam. The hasta is used katakamukha alapadma and dola. Let's see the first step in three speeds. किट तक तई तई ताम तई तई ताम तई तई ताम तई तई सेकेंड स्पीड तई तई ताम तई तई ताम तई तई ताम तई तई थर्ड स्पीड तई तई ताम
कई काम क्या करता दिन बिना तो। फोर्थ अड़वु तत्त कुदित्त मेट्ट अड़वु द ग्रेसफुल बेंडिंग ऑफ द बॉडी वाइ स्टैंपिंग एंड जंपिंग। वन टू थ्री फोर बोल तत् तै ता हा दित् तै ता हा द हस्ताज यूज्ड त्रिपता का हस्त। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप इन थ्री स्पीड्स। कित तक क सत कई सा हा दित् तै सा हा तत् तै सा हा दे तै से के सी तत् तै सा हा दे तै सा हा तत् तै सा हा दे तै सा सी तत् तै सा हा दे तै सा हा तत् तै सा हा दे तै सा हा। फिफ्थ अड़वु तीर्माणम अड़वु। तीर्माणम मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री यूनिट्स। बोल स्मॉल तीर्माणम गी न तो द हस्ताज यूज्ड त्रिपताका। लेट्स सी द सेकेंड स्टेप इन थ्री स्पीड्स। किट ट तक स दिंग गी न तो स दिंग गी न तोम स दिंग गी न तोम स दिंग गी न सेकंड स्पीड स दिंग गी न तोम स दिंग गी न तोम स दिंग गी न तोम स दिंग थर्ड स्पीड स दिंग गी न तोम स दिंग गी न तोम स दिंग गी न तोम स दिंग गी न तोम। सिक्स्थ अड़वु कुदित्त मेट्ट अड़वु मीन्स जंपिंग एंड स्ट्राइकिंग। बोल तै हत तै ही हस्ताज यूज्ड अलपद्मा एंड कटकामुख। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप इन थ्री स्पीड्स। कित तक तै हत तै ही सई हत सई ही सई हत सई ही सई हत सई सेकंड स्पीड सई हत सई ही सई हत सई ही सई हत सई ही सई हत थर्ड स्पीड सई हत सई ही सई हत सई ही सई हत सई ही तक चली गई ना तो। सेवेंथ अड़वु विष्णु अड़वु। द वर्ड विष्णु हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेशी। वेशी मीन्स टू थ्रो। विष्णु मीन्स स्प्रेड लेग्स साइडवेज। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बोल ता तै तै ता दे तै तै ता द हस्ताज यूज्ड कटकामुख अलपद्म एंड त्रिपताका। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप इन थ्री स्पीड्स। किट ट तक क सा तै तै सा दे तै तै सा सा तै तै सा दे तै सेकंड स्पीड ता तै तै ता दे तै तै ता तै तै ता दे तै थर्ड स्पीड ता तै तै ता दे तै तै ता तै तै ता दे तै तै ता। नाउ लेट्स सी द ओरल थियरी। असंयुक्त हस्त मुद्रास इट मीन्स सिंगल हैंड गेस्चर्स। दे आर 28 in numbers. They are taken from Abhinaya Darpanam book
विच इज रिटन बाय नंदिकेश्वरा। मुद्रा बोलते समय अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में मुद्रा बोल रहे हो, जो कि स्थानक पोजीशन है, तो आपको एकदम सीधे खड़े रहना है। अगर आप बैठ के मुद्रा बोल रहे हो तो आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, ना कि इस तरह से बेंड होके आपको बोलना है। और अगर दोनों स्थिति का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, स्टैंडिंग या सिटिंग, तो उसमें आपको एल्बो ऊपर यानी इस तरह से पोजीशन में एल्बो रख के आपको बोलना है, उसे बेंड या ऊपर ऐसे नहीं करना है। डेमॉन्स्ट्रेशन। पताका त्रिपताको अर्धपताको कर्तरी मुखः मयूराख्यो अर्धचंद्रश्च अरालः शुकतुंडकः मुष्टिश्च शिखराख्यश्च कपितः कटकामुखः 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 सूची चंद्रकला पद्मकोशः सर्पशिरस्ततः मृगशीर्षः सिंहमुखः कांगुलश्चाल अलपद्मकः चतुरो भ्रमरश्चैव हंसास्यो हंसपक्षकः सदंशो मुकुलश्चैव ताम्रचूड त्रिशूलकः इति असंयुक्तहस्ता नामष्ठा विंश तिरिरिताः। भेदा डेमॉन्स्ट्रेशन के रूल्स। मंडल भेद, पाद भेद और शिरो भेद को शुरू करते समय आपको स्थानक पोजीशन, दैट इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, देन आपके हाथ अर्धचंद्र हस्त में कमर पे रख के, फिर आपकी जो दृष्टि है उसे सीधे सामने रख के, जो समदृष्टि है उसमें शुरू करना है। लेट्स सी द डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ भेदास। पाद भेदा। पाद मीन्स लेग्स, भेद मीन्स टाइप्स। दे आर 6 इन नंबर्स। दे आर टेकन फ्रॉम नाट्यशास्त्र बुक विच इज रिटन बाय भरत मुनि। डेमॉन्स्ट्रेशन। उद्घटितम् उद्घटितम् समं चैव तथा अग्रतलसञ्चरः अञ्चित कुञ्चित कुञ्चित सूची पाद षोडा प्रकीर्तितः। शिरोभेदा। शीर मीन्स हेड, भेद मीन्स टाइप्स। दे आर 9 इन नंबर्स। दे आर टेकन फ्रॉम अभिनय दर्पणम बुक विच इज रिटन बाय नंदिकेश्वरा। डेमॉन्स्ट्रेशन। समम उद्वाहितम अधोमुखम आलोलितम द्रुतम कंपितम च परावृत्तम उच्छिप्तम परिवाहितम नवदा कथितम शीर्षम नाट्यशास्त्रो विशारदे। मंडल भेद। मंडल इज अ संस्कृत वर्ड, इट मीन्स सर्कल। दे आर 10 इन नंबर्स। दे आर टेकन फ्रॉम अभिनय दर्पणम बुक विच इज रिटन बाय नंदिकेश्वरा। डेमॉन्स्ट्रेशन। स्थानकम च आयतम आलीदम प्रेंखणम प्रेरितानि च
प्रत्यालीदम् स्वस्तिकम् च मोटितम् समसूचिकः पार्श्वसूची इति च दश मण्डलानिरितानि ह. The half sitting position in Bharatanatyam is also known as Ayatam, Aramandi, Ardhamandala and Chaturastastha. The Mandi position is also known as Mulumandi. Indian classical dance styles, four major styles, Bharatanatyam, Kathak, Kathakali and Manipuri, unke sister styles, Kuchipudi, Odissi एंड मोहिनी अट्टम. भरतनाट्यम के सिस्टर स्टाइल है कुचिपुड़ी, कथकली की सिस्टर स्टाइल है मोहिनी अट्टम और कथक की सिस्टर स्टाइल है ओडिसी. इन्हें सिस्टर स्टाइल्स इसीलिए कहा जाता है कि उनके डांस कंपोजिशंस, अटायर, म्यूजिक और बोल काफी सिमिलर होते हैं. लेट्स सी द सेवन क्लासिकल डांस स्टाइल्स विद देयर स्टेट. भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, कथक from Uttar Pradesh, Kathakali from Kerala, Manipuri from Manipur, Kuchipudi from Andhra Pradesh, Odissi from Odisha and Mohiniattam from Kerala. Guru and institution the student follows. Isme aapko guru ka naam, sanstha ka naam aur bani yani gharana ya style jo aapke guru follow karte hai, for example Pandanallur, तंजावुर, मैसूर एक्सेट्रा. गुरु का नाम लेते समय हमेशा आदरपूर्वक लें. फॉर एग्जाम्पल गुरुज नेम गुरु श्रीमती पूनमताई मुर्डेश्वर. इंस्टीट्यूट का नाम पायल नृत्य नाट्य निकेतन और स्टाइल फॉलो करते हैं तंजावुर बानी. मीनिंग ऑफ द टर्म भरतनाट्यम. Bharatanatyam is derived from the dance of the Devadasis of India. इसे दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था. आगे चलकर ये भरतनाट्यम नाम से प्रचलित हुआ. भ र त. भ means भाव expressions, र means राग music और त means ताल यानी rhythm and नाट्यम means dance. भरतमुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है इसीलिए इसे भरतनाट्यम नाम से जाना जाता है. एग्जामिनेशन के दिन पे आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है जिसे मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले है कॉस्ट्यूम, आपके इंस्टीट्यूट का या फिर क्लास का यूनिफॉर्म. अगर आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है तो आप ट्रेडिशनल सलवार कमीज दुपट्टा उसे अच्छे से पिन करके पहन सकते हैं. एक बात ध्यान में रखिए, स्लीवलेस, डीप नेक, केप्रीज, शॉर्ट्स, टाइट चूड़ीदार जैसे कपड़े ना पहने. सेकेंड पॉइंट, बाल यानी हेयर. अगर आपके बाल लंबे हैं तो उसकी अच्छे से टाइट चोटी बनाइए. अगर बाल आगे से बिखर रहे तो उसे अच्छे से तेल या स्प्रे से सेट करें. अगर आपके बाल छोटे हैं, मानिए कि शोल्डर लेंथ है, तो आप अच्छा पोनीटेल बनाए. और अगर आपके बाल बॉय कट है तो उसे अच्छे से सेट करें. आर्टिफिशियल हेयर या फिर फ्लावर्स, गजरा ये लगाना ऑप्शनल है. ज्वेलरी, छोटे झुमके, टॉप्स या फिर छोटा चोकर, लॉन्ग नेकलेस, हाथों में ड्रेस को मैचिंग बैंगल्स या फिर कड़ा और फोरहेड पे आपके चेहरे के अनुसार बिंदी आप लगा सकते हैं. हाथों में अलता, मार्कर या फिर मेहंदी लगाना ऑप्शनल है. फोर्थ पॉइंट इज घुंघरू. एग्जामिनेशन के दिन आप घुंघरू पहन सकते हैं. घुंघरू पहनना या ना पहनना यह आपके गुरु के क्लास के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से फॉलो होता है. एग्जामिनेशन के दिन आपको हॉल टिकट, वाटर बॉटल, टॉवल और नैपकिन कैरी करना है. एग्जाम देते समय आपको स्थानक पोजीशन यानी स्ट्रेट पोजीशन में खड़े रह के एग्जाम देना है. एग्जाम देते वक्त आपका एटीट्यूड पोलाइट और कॉन्फिडेंट होना चाहिए.
अगर आपको एग्जामिनर कोई सवाल पूछती है और अगर वो क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए या फिर सुन नहीं पाए तो आप एग्जामिनर के पास जाकर उन्हें रिस्पेक्ट से पूछिए। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट और एग्जामिनर के साथ साथ टीचर का यानी गुरु का बोल बोलने के लिए नटवांगम बोलने के लिए होना जरूरी है। रिकॉर्डेड म्यूजिक अलाउड नहीं है। पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष बात बताना चाहूंगी कि जैसे आप अपने कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई पे ध्यान देते हैं उसी तरह किसी भी आर्ट फॉर्म्स की थियरी और प्रैक्टिकल की पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो हमने रेफरेंस के लिए गाइडलाइंस के तौर पे बनाया है, इसे आप आपके गुरु के सलाह से ही फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको प्रारंभिक रिलेटेड और कोई क्वेरीज है जिसे हम सुलझा सकते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे या फिर हमारी वेबसाइट आकार सपोर्ट पे लिख सकते हैं। फिर इससे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, डू कमेंट एंड लेट अस नो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आकार।